प्रदेश सरकार द्वारा जब से बॉर्डर्स को खोलने की घोषणा की है तब से सोलन शहरवासी बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि जब से सोलन में कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा आ रहे हैं तब से प्रदेश सरकार नियमों में ज्यादा ढील देती जा रही है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सोलन का भी जल्द दिल्ली वाला हाल होने वाला है। यहाँ कोरोना बिल्कुल अनियंत्रित हो जाएगा तब प्रदेश सरकार के पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार सख्त रुख अपनाए हुए थी तब प्रदेश में कोरोना अपने पैर नहीं पसार पाया, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार की लापरवाही के चलते हिमाचल में कोरोना विस्फोट होने वाला है। रोष प्रकट करते हुए शहरवासियों देवकी गुप्ता, कुल राकेश पंत, अंकुश सूद ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के दबाव में आकर प्रदेश को कोरोना का हब बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सख्ती के बाद भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब जब प्रदेश सरकार ने ढील दे दी है तो हिमाचल की स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोलन में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बॉर्डर खुलने की वजह से किसी का भी आने जाने का विवरण सरकार के पास नहीं होगा। ऐसे में जिला में भय का माहौल देखा जा रहा है। सरकार को इस बारे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बॉर्डर खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि हजारों पर्यटक बिना रोक टोक अब हिमाचल का रुख करेंगे और वे अपने साथ कोरोना भी लेकर आएंगे। उन्हें लगता है कि ये कोरोना विकराल रूप लेकर हिमाचल को बर्बाद कर देगा। में अब जो केसेस हैं, आज ही 24 केस जिला हॉस्पिटल में आज ही आए हैं, पिछले कल भी 15 केस थे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो कल कैबिनेट में फैसला लिया, ये केंद्र सरकार के प्रेशर के तहत लिया। वैसे इनके विचार ठीक हैं कि अभी नहीं, हमें बैरियर खोलने चाहिए थे, ये क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी को लेकर एंट्री कर सकता है, उसे थोड़ा सा बंधन था। लेकिन अब केंद्र ने जब प्रभाव डाला, इनके ऊपर प्रेशर डाला मुख्यमंत्री जी के ऊपर, और इन्होंने कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया कि ई पासिंग की फैसिलिटी बंद कर दी जाए, तो लगता है कि इस बीमारी में और भी बढ़ावा मिलेगा। अब हमारे पास एक ही इलाज है कि हमें स्वयं ही इसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा कि हम इससे कैसे बचें। और जैसे मास्क है, दूरी बनाए रखना है, किसी के हाथ से कुछ खाते हुए सब ध्यान से रखना है कि वो कचरा हमें खाने के लिए दे रहा है, इन सब को ध्यान में रखते हुए कोरोना की बीमारी से यदि मुक्ति पानी है तो हमें खुद का अपने आप ही बचाव करना अनिवार्य है। सरकार का जो निर्णय है वो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ 100% ही है ये बात कि अंडर प्रेशर जो है मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि ई पासिंग की फैसिलिटी जो है ये बंद कर दी जाए और खुला ही कर दिया जाए। देखिए, इस संबंध में एक यही बात है कि वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई दिन पहले भी ये फैसला ले लिया था कि जो ये बॉर्डर्स हैं सारे खोल लिए जाए, पर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बॉर्डर्स नहीं खोले थे। और जो हमारे इनके हाईअप से उस दौरान बात हुई थी कि जब उन्होंने कहा है आपको खोलने चाहिए तो यहाँ आपने नहीं खोले, उसका क्या कारण है, तो उनकी बात बड़ी समझ में आने वाली थी सरकार की बात। वो बात ये थी कि जो लोग भी आ जा रहे हैं हम आने जाने में किसी की रुकावट नहीं कर रहे हैं, पर ट्रैक बना रहे ताकि किसी भी स्टेज में किसी को भी अगर कोई मान लीजिए इन्फेक्शन हो जाता है कोविड का तो ट्रैक बना रहे। अब ऐसा लगता है कि ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का कम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा है। फिर भी मेरा तो आग्रह स्टेट गवर्नमेंट से यही रहेगा कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए, वो परमिशन आने जाने की बेशक ना हो पर जो लोग एंट्री कर रहे हैं और जो यहाँ से जा भी रहे हैं उन सबका एक रजिस्ट्रेशन उनकी गाड़ी का उनका, या क्योंकि ट्रांसपोर्ट अभी आपने बस सर्विस तो नहीं खोली है, तो ये ज़रूर रहना चाहिए कि किसी स्टेज पर कोई आदमी अगर इन्फेक्ट होता है तो जैसे कि गवर्नमेंट की भी इच्छा ये है कि उनका इलाज हम ठीक ढंग से कर सकें, उसको मद्देनज़र रखते हुए आने जाने वालों का एक रिकॉर्ड रखें और उसके लिए जो भी सिस्टम बनाया जा सकता है उस सिस्टम को बनाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। आप लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि अभी हिमाचल फिर भी कोरोना से काफ़ी बचा हुआ था, जबकि हमने एक भी केस यहाँ पे नहीं रहा था, सिर्फ थोड़े दिन के लिए हिमाचल को खोला था, रजिस्ट्रेशन पे टूरिस्ट को अलाउ किया था, तो कुछ ही दिनों बाद जो है हिमाचल में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे। अब यही गलती हम दोबारा करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि नीचे दिल्ली
पंजाब हरियाणा में जो कोरोना है वो बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। लोग वहाँ पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहाँ के लोगों के पास अच्छा पैसा भी है। अगर आपने ये बॉर्डर जिस तरीके से सभी के लिए ओपन कर दिए हैं, इसमें आपने ना कोई किसी की टेस्ट रिपोर्ट मांगी है और सभी को सीधा आने का निमंत्रण दे दिया है, तो मुझे लगता है सीधा सीधा जो है ये हिमाचल के लोगों के साथ जो है खिलवाड़ है, हमारे हिमाचल को बर्बाद कर देगा ये कोरोना। क्योंकि अभी तो ये फिर भी रुका हुआ था, परंतु जैसे ही बॉर्डर खुल जाएंगे हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो यहाँ से हिमाचल के अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि नीचे अभी गर्मियाँ भी हैं, स्कूल कॉलेज भी बंद हैं, तो सभी लोग जो हैं परिवार सहित जो है वो यहाँ पहुँच जाएंगे, उनके साथ कोरोना आएगा और जो अभी तक हमारा हिमाचल थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी अब बुरे हाल हो जाएंगे। मैं बात करूं अगर सोलन की, तो सोलन में पिछले कुछ दिनों से तो कुछ ज़्यादा ही केसेस आने शुरू हो गए हैं और सोलन हिमाचल का प्रवेश द्वार है। हिमाचल के किसी भी कोने में जाने के लिए टूरिस्ट जो है वो सोलन से पास आउट होता हुआ जाएगा, यहाँ के बस स्टैंडों से, यहाँ के होटलों से, रस्ते के नेशनल हाईवे के ढाबों से, कहीं से किसी नेशनल हाईवे की दुकानों से कुछ खरीद के वो कोरोना को फैलाता हुआ जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि उसे कोरोना है और वो कोरोना फैला रहा है, क्योंकि इसके सिम्टम्स कई बार बड़े दिनों बाद दिखाई देते हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगर आपको हिमाचल के बॉर्डर्स को खोलना है तो आप बेशक खोलिए, परंतु उसमें कुछ शर्तें ज़रूर लगाइए। कम से कम लोगों का कोरोना टेस्ट ज़रूर कराइए, और जो लोग यहां पर आना चाहते हैं उनका कोरोना टेस्ट हुआ होगा तो यहां के लोगों के लिए भी सुविधा रहेगी और वहां के लिए भी सुविधा रहेगी।